बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर सामईन, मैं आपको अपने चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने में मशगूल होंगे। बगैर वक्त ज़ाय किए चलती हूँ अपने आज के मौजू की तरफ। वज़ीर सामईन, मेरा आज का मौजू हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कसरा खुसरू परवेज़ के साथ मुलाकात है। बाजान को शिरोया की तरफ से मौसूल शुदा सरकारी खत के जरिए कसरा की मौत के बारे में आगाही के बाद अब मजीद ये कि मदीना से वापस आने वाले अपने इन कारिंदों के जरिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही खबर मौसूल हुई, वो इंतहाई हैरत का इजहार करते हुए फौरी तौर पर मुसलमान हो गया और यूँ कहने लगा कि गैब की ये खबर तो फिकत बजरिया वही ही किसी को मालूम हो सकती है, लिहाजा इसका यकीनी मतलब ये हुआ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। गौरतलब बात है कि ये महज अपना अपना नसीब है। कसरा को दावत इस्लाम के सिलसिले में खत तहरीर किया गया मगर इस खत के साथ बदसलूकी की वजह से इसका किस कदर बुरा और भयानक अंजाम हुआ। जबकि बाजान को तो ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया था, लेकिन इसके बावजूद कसरा के इस अंजाम की वजह से और इससे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से दी गई इस खबर की वजह से वो मुसलमान हो गया। नसीब अपना अपना। यहाँ तक तो किस्सा था हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सल्तनत फ़ारस के बादशाह कसरा खुसरो परवेज़ के साथ मुलाकात और फिर इसके नतीजे में पेश आने वाले तारीखी हालातों वाकयात से मुतल्लिक, जिसके इंतहाई अहम और तारीखी नताइज ये जाहिर हुए थे कि कसरा जैसा शानो शौकत और जाओ जलाल वाला बादशाह खुद अपने ही लाडले बेटे और वलीअहद सल्तनत के हाथों मारा गया। कसरा की तरफ से मुकर्रर करदा मुल्क यमन का बादशाह बाजान इसी वाक्य के नतीजे में मुसलमान हो गया। फ़ारस के शाही दरबार में कसरा की मौत के बाद बड़ी अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। तमाम सल्तनत फ़ारस में तशवीश और इस्तराब की लहर दौड़ गई। हर तरफ अखाड़ बुछाड़ का सिलसिला चल निकला और यह सब कुछ बहुत जल्द रुए ज़मीन की इस अजीम तरीन कुव्वत यानी सल्तनत फ़ारस के हमेशा के लिए ज़वाल व इन्हितात का पेश खैमा साबित हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस दौर में रुए ज़मीन की दूसरी बड़ी सल्तनत रूम के बादशाह के साथ मुलाकात और इस मौका पर पेश आने वाले हालातों वाक़ियात का मुख्तसर तज़किरा दर्ज ज़ैल है। खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुसलमानों की तरक्की और अरूज अदलो इंसाफ वगैरह गर्ज जे के हर लिहाज से और बिलखसूस फतुहात के नहायत वसीओ अरीस सिलसिले की वजह से बहुत ही तारीखी और मसाली दौर था। इसी दौर में रुए जमीन की दोनों अजीम तरीन कुव्वतों यानी सल्तनत फ़ारस और सल्तनत रूम का बेक वक्त इन मुट्ठी भर सहरा नशीन मुसलमानों के हाथों हमेशा के लिए खात्मा हो गया था। फतुहात के इन्हीं सिलसिलों के दौरान हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर सल्तनत रूम किसी इलाके की जानिब रवाना किया था। इस लश्कर में हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। इन दिनों चूँकि बेक वक्त मुतअद्दिद महाज़ों पर मुसलमान और रूमी बाहम बरसरे पेकार थे, लिहाजा जंगी हिकमत अमली के तौर पर एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा बाखबर रहने और मालूमात हासिल करने की हत्यलमकान कोशिश की जाती थी। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सल्तनत रूम के बादशाह कैसरे रूम तक अपने सिपाहियों जासूसों और मखबरों के जरिए मुसलमानों की इंतहाई शराफत ईमानत और दयानत नेज अपने मजहब के साथ वालेहाना और मुखलिसाना वाबस्तगी के बारे में खबरें पहुंचती रहती थी, जिन्हें सुनकर वो इंतहाई हैरान हुआ करता था और सोचा करता था कि आखिर ये मुसलमान किस किस्म के इंसान हैं और ये किस दुनिया की मखलूक हैं। बिलखसूस एक बात जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा बायस हैरत बनी रहती थी वो ये कि मुसलमान अपने दीन के साथ इस कदर मुखलिस हैं कि दीन की सरबुलंदी की खातर बेवक्ते जरूरत बिल्कुल बिला झिझक और बगैर किसी खौफ या तरद्दुद के अपनी जान तक कुर्बान कर देने से दरेग नहीं करते। चनांचे एक बार इसने अपने सिपाहियों और जासूसों को ताकीद करते हुए कहा
कि किसी भी तरह कोई मुनासिब मौका देकर किसी मुसलमान सिपाही को जिंदा गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए ताकि वो बजाते खुद उसे आजमा सके। चनाचे रूमी सिपाही इस मकसद के लिए मुतअद्दिद मकामात पर बड़ी मंसूबा बंदियां करते रहे। आखिर एक रोज किसी मुकाम पर उन्होंने मकरूह फरेब और हीलेबाजी के जरिए चंद मुसलमान सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन हजाफा अल सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे, और फिर इन मुसलमानों को कैसरे रूम के सामने पेश किया गया। तब इस मौका पर उसके सिपाहियों ने तारुफ कराते हुए बतौर खास ये बात भी बताई कि इन मुसलमानों में एक बहुत अहम तरीन इंसान भी है, क्योंकि वो इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथियों यानी सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु में से है और इब्तदाई जमाने का असली और पक्का मुसलमान है। इस पर कैसर ने बड़ी मसर्रत का इजहार किया, क्योंकि इसे अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक एक असली और हकीकी मुसलमान को जांचने और परखने का मौका मिल गया था। मौजूद सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।